हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। बीइंग ए स्टूडेंट, हम घर पर ही रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को इस बीमारी से सेफ रख सकते हैं। तो बी सेफ, बी हैप्पी, स्टे एट होम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि SSC और UPSC दोनों ने ही अपने कैलेंडर जारी कर दिए हैं और जो एग्ज़ाम्स हैं वो सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो हम ये पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि RBI भी जल्द ही नोटिफिकेशन निकाले और इसका भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। तो पुल योर सॉक्स अप एंड डू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस बारे में और अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ विलेजर्स एक्सीलेंस 20। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और वन बाय वन हम करंट अफेयर्स करेंगे, जैसे नेशनल करंट अफेयर्स, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फिर बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स, बिजनेस रिलेटेड करंट अफेयर्स, मिसलेनियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज से ये लेक्चर सीरीज शुरू होने जा रही है और हफ्ते में इस लेक्चर सीरीज से रिलेटेड हम 3 से 4 लेक्चर ज़रूर करेंगे। तो अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं राम विजनेश आर का ये मैसेज लेना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और ये पूछा कि स्टैटिक GK जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो उसका सिलेबस वो मैं उनको बताऊँ। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की उनको सिलेबस बताने की, लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी उनको और साथ ही साथ दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी कि स्टैटिक GK जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। हम उनमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ यही टॉपिक्स उसके अंदर आएंगे और दूसरे टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है कि स्टैटिक GK को अगर हम अलग से रिवाइज करने लगेंगे ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में ना एकदम खिचड़ी पक जाएगी और हमें बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होता और मुझे लगता है कि सारे एस्पिरेंट मेरे जैसे ही हैं जिनको स्टैटिक यानी कि रटने वाली चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती। तो अगर हम अलग अलग करेंगे तो हमारा जो स्टैटिक GK का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होने के साथ हमें हमारे लिए जो है वो परेशानियाँ खड़ी कर देगा, क्योंकि हम उसको एक बार याद करेंगे फिर हम उसको तभी भूल जाएंगे, फिर हम याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो स्टैटिक GK तो बेवफा होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने करंट के साथ साथ अपने स्टैटिक GK के पोर्शन को कवर करना है। और अगर मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि आप मेरी आने वाली एक मंथ की, जैसे अप्रैल मंथ से ये सीरीज शुरू हो रही है, तो अप्रैल मंथ की आप करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस देख लीजिए, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप समझ जाएंगे कि हमें करंट अफेयर्स को स्टैटिक GK से कैसे कनेक्ट करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैटिक GK के भी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी। और इससे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अगर हमारे पास एक न्यूज़ थी, वो न्यूज़ ये थी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, उन्होंने एक रैपिड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया है जिसका नाम है कवच। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ हमारे पास ये उठ के आता है कि कवच की फुल फॉर्म क्या है। RBI बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार करता है ऐसे क्वेश्चन से और वो फुल फॉर्म पूछने पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है। तो कवच की फुल फॉर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी चल रही है, ये बीमारी ऐसी चल रही है और हर तरफ न्यूज़ सिर्फ इसी से रिलेटेड है। तो कवच की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद COVID-19 हेल्थ क्राइसिस। और ये जो है हमारा जो रिस्पॉन्स सेंटर है ये 56 करोड़ का बना है और कहाँ पर बना है, ये बना है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे में। दूसरी न्यूज़ हमारे पास है कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर आंध्र प्रदेश के नेवल डॉकयार्ड ने मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, जिसको कि मोम बोला जाता है, यानी मोम शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, ये एक डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है, ये हमारे पास मल्टीपल पेशेंट को एक ही टाइम पर ऑक्सीजन की उनकी डिमांड को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर हम स्टैटिक GK को कैसे कवर
कर सकते हैं। तो हम देखो, सबसे पहले बात हुई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन से हैं और गवर्नर कौन से हैं, क्योंकि जो रिसेंट में गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती रहती है या इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि किसी भी स्टेट का करंट में गवर्नर कौन है। तो हम जो है साथ के साथ याद करते चलेंगे। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? वो है विश्वभूषण हरिचंदन। तो थर्ड न्यूज़ हमारे पास है वो है एनसीसी से रिलेटेड। तो एनसीसी ने एक एक्सरसाइज जारी की है, एनसीसी योगदान, ताकि जो इसके वॉलंटियर कैडेट्स हैं, मतलब उनको नेशनल ड्यूटी पे लगाया गया है ताकि वो सर्विस ऑफर्ड कर सके। तो नेशनल एनसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास करंट न्यूज़ क्या है कि अगर ये पूछा जाए, योगदान के नाम से भी पूछा जाए, या एक्सरसाइज योगदान किसकी है, तो वो हमारी है किसकी? एनसीसी की। तो सबसे पहले अगर हम एनसीसी के बारे में बात कर लेते हैं, तो एनसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ? वो हुआ 1948 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसके जो गवर्नर इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो हमारे पास कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं। तो अगर हम अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तो वो है हमारे पास कौन सी ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप है। ये ऐप कौन लेके आई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। और इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किसने किया है? तो दो मिनिस्ट्रीज़ का ज्वाइंट वेंचर है ये। सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, तो इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? वो है रविशंकर प्रसाद जी। और अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें, तो वो किसके पास है? हर्षवर्धन के पास है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, स्ट्रैंडेड इन इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्ट्रैंडेड इन इंडिया जो पोर्टल है वो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। और इन्होंने ये पोर्टल क्यों जारी किया है? ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर स्टक हो गए हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में, उनकी हेल्प करने के लिए ये पोर्टल जारी किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के जो मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, वो कौन है? हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। फिर न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 मिलियन जो है इंडियन गवर्नमेंट को अप्रूव किया है इस एमर्जिंग सिचुएशन से निपटने के लिए। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि RBI के सिलेबस में ही मेंशन है, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, WHO, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कब बनी, इनकी फॉर्मेशन कब हुई, इनका हेडक्वार्टर कौन है, और इनके प्रेजिडेंट या MD CEO कौन है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो देखो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये बना, फॉर्म कब हुआ? 1994 में फॉर्म हुआ। और अगर हम इसके पीपल्स की बात करें, मतलब इसमें कौन कौन से बंदे हैं, तो प्रेसिडेंट कौन है? वो है डेविड मालपस जी। और इसकी MDO और CFO कौन है? वो है अंशुला कांत। और ये क्योंकि इंडियन है, इसलिए हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है इसको याद करना, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तो जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक इनिशिएटिव फॉर्म किया है, जिस इनिशिएटिव का नाम है करुणा। तो यहाँ पर भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि करुणा जो है वो किसका इनिशिएटिव है। तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ का नाम हमें दे दिया जाएगा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाएगा, तो हमें याद रखना है कि वो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है। और करुणा की फुल फॉर्म क्या है? वो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिज़ास्टर, यानी इस सारी सिचुएशन में इनको सपोर्ट करने के लिए और ये अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के एफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए ये इनिशिएटिव लेके आए हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नंबर 8, जो देखो ये है प्राणवायु
सॉरी प्राणवायु, ये जो है ये एक वेंटिलेटर है और ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है आईआईटी रुड़की ने। तो ये जो है एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है। पोर्टेबल का सीधा सा मतलब है जिसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। और आईआईटी रुड़की ने किसके साथ मिलकर किया है, एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर जो है वो डेवलप किया है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है लाइफलाइन उड़ान। तो ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का इनिशिएटिव है, ताकि ये जो है इंडियंस की हेल्प करने के लिए है टू फाइट अगेंस्ट विद COVID-19। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है 132 कार्गो फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में, ताकि जो है मेडिकल फैसिलिटीज पहुँच सके रिमोट और हिली एरियाज़ में। और अगर हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी जी, और ये रिसेंट में यानी 2016 में फॉर्म हुई है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तो सबसे पहले नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास एक ऑनलाइन चैलेंज है जिसका नाम है समाधान। तो ये जो समाधान है ये किसने कौन लेके आया है, इसको लेके आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी HRD मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है समाधान टू फाइट अगेंस्ट विद COVID-19। तो अगर हम बात करें HRD मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं इसके लिए, वो हैं रमेश पोखरियाल जी, ठीक है। और अगर अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ वो है स्वास्थ्य के सिपाही। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसका, ये इनिशिएटिव जो है ये किसके अंतर्गत आया है, यह आया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंतर्गत आया है, ताकि जो है लोगों को उनके घरों पर ही सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और जो असेंशियल सर्विसेज हैं जैसे फूड और अदर आइटम्स हैं उनको उनके घरों पर ही पहुँचा दिया जाए, ठीक है। तो जो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर सिंपल से हमें सिर्फ ये बताइए कि स्वास्थ्य के सिपाही जो है के जो अलॉट किए गए हैं, तो जो कि घरों पर जाके और आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब इसको हम स्टैटिक जीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो आखिर होते क्या हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है PMBJP। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमसे RBI ये इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र। तो अगर हम देखें तो जो ये इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का इनिशिएटिव है। और इसमें क्या है, ताकि ये ऐसे केंद्र बनाए गए जहाँ पर क्वालिटी मेडिसिन जो है वो हमें लेस प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सके, जहाँ पर इन मेडिकल जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस जो है ऑलमोस्ट 80-90% कम हो जाते हैं। और ये जो हमें मेडिसिन हमें टाइमली मिल सके, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका नाम है हमारा BPPI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये एस्टेब्लिश हुआ है हमारा 2014 के अंतर्गत। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र के कैंपेन की, तो देखो सबसे पहले है जो हमारा जो डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो ब्यूरो है वो लॉन्च किया गया 2014 में, ताकि हमें क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। फिर इसके तहत जो है जन औषधि मेडिकल स्टोर्स बनाए गए डिफरेंट कंट्री के अंतर्गत, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए। तो फिर सितंबर 2015 में जो जन औषधि स्कीम थी उसको इन्होंने रीनेम करके कर दिया प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। और फिर 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना या प्रधानमंत्री या सॉरी जन औषधि स्कीम या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कहे तो बात एक ही है, एक ही स्कीम है।
फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने जो है डेवलप किया था, सबसे पहले क्या थे, डिजी लॉकर इनकी एक स्कीम आई थी, उसके तहत अब बना दिया गया है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसके तहत हम अपने सारे सर्टिफिकेट्स, अपने डिग्री, हमारे जो और अदर एकेडमिक रिवॉर्ड्स जो हमें मिले हुए हैं, अवार्ड्स जो हमें मिले हैं, उनको हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ऑनलाइन हम रख सकते हैं, यानी हमें उसकी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीजी लॉकर स्कीम के बारे में, तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2015 के अंतर्गत। और सबसे पहले यहाँ पर जो ये सर्विस थी, ये किसने जारी की है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमआईटी के अंतर्गत आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आई है। और अगर हम बात करें नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की, तो वो जो है हमारे पास कब आई है, वो आई है 2017-18 के अंतर्गत आई है। फिर अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि DRDO जो है वो इस टाइम न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है COVID-19 की सिचुएशन में हेल्प कर, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किए हैं, इस सिचुएशन से डील करने के लिए उन्होंने दो चीज़ें बनाई हैं। पहला बनाया है पर्सनल सैनिटाइजेशन एक्सप्लोजर, यानी PSC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पर्सनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर्स, और दूसरा है फुल फेस मास्क। तो ये दोनों ही जो हैं ये किसके इनिशिएटिव हैं, ये दोनों ही इनिशिएटिव हैं DRDO के। तो अगर हम बात कर लेते हैं DRDO की, तो सबसे पहले DRDO फॉर्म कब हुआ, वो हुआ 1958 में। दूसरा जो इसके, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और जिसके मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की, तो वो हमारे कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया है जिसका नाम है iGOT। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ताकि इसमें हम क्या है, हम जानकारी ले सकते हैं कि जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको हमें इक्विप करना है, उनको हमें ट्रेनिंग देनी है कि कैसे इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, COVID-19 की सिचुएशन से हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। दूसरा है ट्राइफेड की न्यूज़ आई है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डेवलप किया है, ताकि एक डिजिटल कैंपेन चलाई जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, और साथ ही साथ उनके जो है जो उनके बेनिफिट्स हैं वो भी अफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइफेड के बारे में। तो ट्राइफेड जो कि है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये आई कब थी, 1987 में, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। दूसरा पूछा जा सकता है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत है। और तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। अब दूसरा इसने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ के साथ, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड के साथ इसने कोलैबोरेट किया है। तो अगर हम यूनिसेफ की बात कर लेते हैं, तो ये आया 11 दिसंबर 1946 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यानी USA में। और इसके अगर हम हेड की बात करें हैं, तो वो हमारे पास है हेनरिटा H4, इसके जो है वो हेड है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। तो सबसे पहले NIOS की फुल फॉर्म क्या है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो इसने जो है काउंसलिंग सेशन रन किए हैं, और वो कौन से हैं, स्वयं प्रभा, DTH चैनल ने जो है पाणिनी, दूसरा चैनल श्रद्धा, और तीसरा है चैनल किशोर, यानी तीन है, एक है स्वयं प्रभा DTH चैनल जिसका नाम है पाणिनी, दूसरा है श्रद्धा, और तीसरा है किशोर। तो पूछे जा सकते हैं ये तीनों किसके इनिशिएटिव हैं, या ये पूछे जा सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो हैं तीन इनिशिएटिव हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो हमें पता होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो, उसकी लोकेशन क्या है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। ये बना कब था, 1989 में। इसके चेयरपर्सन कौन है, वो है विश्वजीत कुमार सिंह। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत ये आता है।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक वेबिनार सीरीज चलाई गई है। किसने चलाई है? वो इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है, जिसके जो सीरीज़ का नाम क्या है, देखो अपना देश, यानी अपने देश के बारे में, अपने देश के कल्चर के बारे में, यहाँ के हेरिटेज के बारे में, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में जानकारी मिल सके लोगों को, उसके लिए चलाई है देखो अपना देश। तो पहला जो सेमिनार था वो बनाया, वो किस पे था, वो दिल्ली पे था, जिसका नाम था, टाइटल था सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली पर्सनल डायरी। तो पूछा जा सकता है कि उसकी थीम क्या थी या उसका टाइटल क्या था, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि एम्स ऋषिकेश ने पार्टनरशिप की है, यानी कि बेल के साथ मिलकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पर जारी किया है, उत्तराखंड में किया है। तो सबसे पहले दो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा इंडिया का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दूसरा, किसने इसको बनाया है? तो सबसे पहले एम्स ऋषिकेश ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ की है। तो हमें पता होना चाहिए बेल के बारे में, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है बंगलुरु में, और ये फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1954 में, और इसके चेयरमैन और एमडी हैं एमवी गौतमा, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब सुरक्षा स्टोर्स बना दिए हैं, जिनसे हम जाकर जो है अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि एक वेब पोर्टल है युक्ति। सबसे पहला क्वेश्चन है कि युक्ति की फुल फॉर्म क्या है? तो युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और ये किस मिनिस्ट्री का है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है, ताकि हम जो है, जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारे इनिशिएटिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के, उनको मॉनिटर कर सकें और उन एफर्ट्स को रिकॉर्ड कर सकें, उन इनिशिएटिव को देख सकें और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। फिर नेक्स्ट है हमारा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली का, इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है वॉश करो। तो ये पूछा जा सकता है कि वॉश करो जो मोबाइल ऐप है वो किसकी है? तो वो है हमारे पास इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो ये हमारे पास, ये क्या बताएगा, ये जो है पीपल्स को वॉर्न करेगा कि वो उनके आसपास जो है वो कंटेनमेंट जोन उनके आसपास आ गया है, और उन्हें जो है ये न्यूज़ बताने में कि कोई भी न्यूज़ जो इस पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में आ रही है, क्या वो सही है या गलत है। तो पूछा जा सकता है कि वॉश करो इनिशिएटिव किसका है। दूसरा जो है, एक और हेल्पलाइन जारी की गई है जिसका नाम है सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव पूछा जा सकता है, ये इनिशिएटिव किसका है, ये है JKSLSA, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये जारी की है हेल्पलाइन सर्व द सीनियर इनिशिएटिव। फिर है हमारी जो CSIR है, यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसके इंस्टीट्यूट जिसका नाम है जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इन्होंने डेवलप किया है क्या, एक टेस्टिंग स्ट्रिप जारी की है जिसका नाम है फेलुदा। तो फेलुदा किसका इनिशिएटिव है? CSIR का इनिशिएटिव है। दूसरा, इसके इंस्टीट्यूट का नाम बदल सकते हैं, तो हमें ये भी याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डेवलप की गई है। और इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन है? वो है डॉक्टर सौविक मैती और दिव्योज्योति चक्रवर्ती। तो सबसे पहले CSIR के बारे में अगर हम पता कर ले, तो CSIR की फॉर्मेशन थी वो 1942 में थी, और साथ ही साथ जो है इसकी लोकेशन क्या है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है नई दिल्ली में। और इसकी अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो डायरेक्टर जनरल है वो है शेखर सी महंदे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की। तो सबसे पहले UNODC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो इन्होंने जो है एक सीरीज जारी की है इंडिया में, उसका नाम क्या है, लॉकडाउन लर्नर सीरीज। और ये किसके अंदर जारी की है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो इनका इनिशिएटिव है एजुकेशन फॉर जस्टिस, उसके अंतर्गत, यानी एजुकेशन फॉर जस्टिस भी और जो हमारी लॉकडाउन लर्नर सीरीज
सीरीज है वो किसके इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के इनिशिएटिव है। और ये जो है हमारे पास किस, ये जो सीरीज हमारे पास चलाई गई है ये किसके साथ मिलकर चलाई गई है, ऑनलाइन सीरीज है, एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर चलाई गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ये एस्टेब्लिश हुआ है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके जो हमारे डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो कौन है, मिस्टर गादा वेले ऑफ इजिप्ट के हैं। और ये भी करंट में चेंज हुए हैं, यानी 1 फरवरी 2020 से ये बने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी, वो पहली ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है जहां पर प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन साइन किया है। किसके साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन साइन किया है। कितने बिलियन डॉलर का, 1.5 बिलियन डॉलर का लोन साइन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितना लोन दिया है कोविड-19 से निपटने के लिए, तो वो है हमारे पास 1.5 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है हमारे पास फिलीपींस में, और ये 1966 में बना था। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मसातुसुगु असाकावा, इसके जो प्रेसिडेंट है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की, जो कि एक सब्सिडरी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड की। तो ये जो है ये इन्होंने क्या जारी किया है, इन्होंने 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को और कार को जारी किया है। कहाँ पर, लेह में और दिल्ली में, यानी दो जगह पर इन्होंने जारी किया है कार को भी और बसेस को भी। तो NTPC की फॉर्मेशन कब हुई, 1975 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और चेयरमैन और MD इसके कौन है, वो है गुरदीप सिंह। तो आज के करंट अफेयर्स में, नेशनल करंट अफेयर्स में, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इसमें कुछ और एडिशन करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिख सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली ध्यान दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।